नीतू की सोलो परफॉर्मेंस की. फर्स्टली वी विल बी हैविंग अ गॉर्जियस दुल्हनिया हियर ऑन द स्टेज. अच्छा पहले दोनों साथ आकर धमाल मचाएंगे क्योंकि दिस इज दी लखनी. जी ये वो है जिनके लिए हम सभी लोग आज यहाँ उपस्थित है. आधी लड़की वाले एक्साइटेड, आधी लड़की वाले एक्साइटेड. अब जो स्टेज पर हैं, इनकी वजह से ये दोनों परिवार एक हो रहे हैं. तो एक बार दोनों परिवारों की जोरदार तालियां हो जाए. एवरीबॉडी लेट्स मेक सम फन नॉइज फॉर लखन एंड नीतू. तीन साल हो गए दूसरे को जानते हैं. सो पहले दिल में घंटियां किसके बजी थी? लगन यू आर मी टू यू मम्मी. सब कह रहे लखन ने किया, लेकिन क्या किसी ने देखा? किसी ने देखा? किसी को देखना है? किस किस को देखना है? तो अभी यू नीड टू गो ऑन योर नीज. हाथ अपना इनके हाथ में लेना है. यू हैव टू प्रपोज हर नॉट ओनली विद द थ्री मैजिकल वर्ड्स, वो होने तो जरूरी है, बट साथ में दिल के जो जज्बात है जो आप इन्हें बयां करना चाहें. आर वी ऑल रेडी टू विटनेस दिस? बट नीतू विल नॉट बी मेकिंग दिस इतना इजी फॉर यू. यू हैव टू रिप्लाई हिम. ओके आर यू बोथ एक्साइटेड? Are we all ready? भैया, यू बताएगा. So, I love you. Will you marry me? इसका जवाब ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, लेकिन फिर भी I love you. Woo! शायरी. ओके ठीक है. झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे. झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे, और इसलिए भी कि उसे राह में ठोकर ना लगे. एक वो है और एक है मेरी माँ, दोनों में से कोई घर ना हो तो घर घर ना लगे. शायरी बहुत कुछ कह गई थी. सो वी विल टेक दैट एज अ यस. एवरीबॉडी मेक सम नॉइज फॉर लखनी. आप दोनों हमेशा यूं ही खुश रहे. वैसे नीतू का कहना है मैं सिर्फ कुछ कह के नहीं बल्कि कुछ करके यहाँ दिखाने वाली हूँ. सो नाउ वी विल बी हैविंग हर सोलो परफॉर्मेंस. आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? परफॉर्मेंस है ये आपके लिए नहीं है, लेकिन ये परफॉर्मेंस उनके लिए है जिनका आशीर्वाद हमेशा नीतू के सर पर है.
वो जहाँ भी हैं वो सिर्फ यही दुआ करते हैं कि इनकी गुड़िया रानी, उनकी बिटिया रानी हमेशा खुश रहे, हमेशा परिवार का वो हिस्सा बने रहे जो परिवार को जोड़े, स्वर्ग सा बनाए रखे। एक बार जोरदार तालियां एवरीबॉडी फॉर नीतू। ये परफॉर्मेंस बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, तो आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। We need to make some noise for नीतू। Come on everybody, let's get started with this very amazing performance by our gorgeous bride. मैं
एक्साइटेड लखन की शादी को लेकर नहीं हूँ, उतना सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं नीतू को, मतलब नीतू मेरी फैमिली में आ रही है, मतलब मेरे घर में मेरे जितने भी लोग हैं मैं सबसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं जितना नीतू से करती हूँ उतना मैं किस चीज से भी करती हूँ, मुझे पता है मुझे बहुत प्यार करते हो, और आपको ये नहीं पता मैं आपसे भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। मैं रिक्की से दो लफ्ज सुनना चाहूंगी, रिक्की अपनी भाभी को क्या बोलना चाहोगे? भाभी थोड़े पैसे दे दो। I love you. आपकी तरह नाक से बोला है। भाभी मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगा, आप मेरे घर वाले हो, आपका भैया कोई बाहर होगा मैं हमेशा भैया की छाया की तरह आपके साथ रहूंगा। कहें तो करें, आपके दो लफ्ज सबके सामने हो जाएं मेरे लिए। बहुत परेशान करती है, तो सबसे पहली बात ये है, ये फोटो लो, 100 फोटो में एक इनको पसंद आएगा, 1000 फोटो लेगी उसमें से 2 सेलेक्ट करेगी, बाकी हटाओ बाकी। मैं परेशान हो गया हूँ फोटो लेता लेता, कैमरामैन मर गया हूँ मैं। कैमरा मास्टर भाई हमेशा कहते हैं, लखन को हमेशा डांट पड़ती है कैमरा मास्टर है ना भाई। भाई आप क्या बोलना चाहोगे दो लफ्ज अपनी नई बेटी के लिए? नई बेटी नहीं, मुझे तो लग रहा है कि हर जन्म में ही तो मेरी बेटी थी, अब इस जन्म में बेटी थी तो बहू के रूप में बेटी बन के आ रही है, हर जन्म में तो मेरी बेटी थी और इस जन्म में आगे भी हमेशा ईश्वर से मेरी प्रार्थना है तो हर जन्म में मेरी ऐसे ही बेटी बन के रहे, ठीक है भाई। बेटी मतलब बहू के रूप में, मैं बहू को बेटी कह रहा हूँ, मेरे यहाँ जो भी बहू अभी है, अभी 2 और आएंगी तो मैं नहीं कहता वो बहू आएंगी, वो बेटी ही बन के मिल जाएंगी, बेटी ही होंगी मेरी। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि नीतू बहुत अच्छी है, और जब ये पहली बार मैंने और मेरी वाइफ पूनम ने जब देखी थी तो इसने जब देखी तो मुझे पहले बताया कि मैंने एक वो लखन के साथ एक आई थी बच्ची को देखी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैं तो लखन से चाह रही हूँ कि उससे शादी, मतलब इसका तो पहली बार इस पर दिल आ गया था, और जब मैंने कहा यार मुझे भी देखा तो मैं तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ यार तू सही कह रही है, अब लखन से कर शादी तो इसी से ही होनी चाहिए, तो मुझे भी पहली बार लगा बहुत अच्छी है। और ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप सबके आशीर्वाद से आज मैं जो हम लोग जैसे चाहते थे कि नीतू बहू के रूप में हमारी बेटी बन गया है, आज वो ये आ रही है, आज वो दिन आ गया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, और ईश्वर का आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया का। थैंक यू सो मच भाई, आई लव यू सो 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 मच। अब मैं चाहती हूँ हमारी मॉम कुछ बोले, मेरी माँ तो मॉम कुछ लफ्ज हो जाए मेरे लिए, चलो भाई के लिए नहीं आता मेरे लिए आप बोलोगे, सास बन के बोलो, माँ बन के मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि नीतू ना मैंने कभी मतलब अपनी बहू के रूप में नहीं माना, मैं इसे अपनी बेटी मानती हूँ, और मेरी बहुत ही प्यारी बेटी है, और मैं ये चाहूंगी कि अगली बार ना मेरे बहू से जन्म ले। चलो अब मैं जाती हूँ, तो पहले मैं चाहती हूँ मेरी सिस्टर्स भी आ जाए, मेरा भाई यहाँ पर लगा है, तो प्लीज हाँ, और मैं चाहती हूँ वो लोग लखन के लिए 2 लफ्ज बोले, फटाफट आ जाओ। नहीं मैं हम बड़े हैं ना तो हमारा दामाद हुआ, तो हाँ हाँ हमारा दामाद हुआ, बट क्यूट भाई हमारा। क्यूट तो है ही, साथ में बहुत ज्यादा शैतान है, जैसे कैमरा ऑफ होता है हमें पीटने लगता है, और जैसे कैमरा ऑन होता है तो बहुत प्यार करने लगता है, बहुत ज्यादा।
तालाक, लेकिन सच में बहुत प्यारा भाई है। ऐसा वैसे हमारा भाई होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, जीजा या दामाद के रूप में मिल गया है। मेरे भाई तो लखनऊ भाई हमेशा मेरा साथ देते हैं और हर जगह से मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस हमारी सारी बातें सुनने के लिए। आपका बस यही आशीर्वाद बना रहे हमारी फैमिली पर, हम पर, आप सब पर। थैंक यू। सबने सब कुछ बोल दिया, लेकिन नीतू अभी अब आपको लखन की तारीफ करनी है और लखन को नीतू की तारीफ करनी है। हाँ वो तो बचा है, अभी करना पड़ेगा। सो लखन, क्योंकि नीतू से सार किया था, नीतू की तारीफ बहुत ज्यादा सुननी है अभी नीतू को। सो लखन, नीतू की तारीफ में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सारी तारीफ कर सकता हूँ, बुक लिख सकता हूँ इसकी तारीफ के ऊपर। इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती है। बहुत हार्डवर्किंग है, बहुत केयरिंग है, और सबसे अच्छी बात बहुत प्योर हार्ट है। जो चीज़ होती है इधर उधर भी होती है, कई बार इसकी वजह से मुश्किल में फंस जाता हूँ, बट ओवरऑल बहुत अच्छी है। एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छी लगती है। लखन एक बहुत बहुत अच्छे इंसान है, जैसे वो ब्लॉग्स में दिखते हैं वैसे वो रियल में भी है। तो मैं संदीप ने कुछ बोला है तो मतलब यार मैं बहुत अगेन मैं यही बोलूंगी कि बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे लखन जैसा पार्टनर मिला है। अगर मुझे लगता अगर लखन नहीं होते इस दुनिया में तो मैं किसी से शादी कर पाती। तो थैंक यू सर, थैंक यू मॉम डैड, आपने लखन को बनाया। थैंक यू सो मच। मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक ही चीज़ लूँगा। वैसे कोई कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा इससे प्यार है, कोई कहता पत्नी से ज़्यादा प्यार, कोई किससे कहता, लेकिन मैं अपनी वाइफ से ही पूछूँ तो देखो ये बताएगी। अच्छा तू बता मुझे दुनिया में, मैं कहता हूँ मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? लखन। ये सच है। मैं अपनी बहुत से कोई जैसे ये चाहते हैं कि मैं पत्नी के सामने रहूँ तो पत्नी खुश होगी, अगर ये भी मुझसे कहेगा किससे प्यार करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा लखन से ही करता हूँ। लखन को सबसे ज्यादा डांट भी पड़ती है ना भाई, जिससे सबसे ज्यादा प्यार होता है उसे डांट। डांटता भी मैं लखन भी हूँ, और मैं प्यार भी सबसे ज्यादा दुनिया में लखन से ही करता हूँ। लखन से हम नहीं पूरी फैमिली प्यार करती है, है ना सोनी दीदी? हाँ जी हाँ जी। मेरा शिफ्ट हो गया, मेरा तुम पर हो गया। सोनी दीदी मुझसे ज्यादा प्यार करती है, लखन से ज्यादा मुझसे प्यार करते हो? हाँ थैंक यू। लखन अपनी बहन के लिए क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं है, इसके लिए मेरे लिए बहुत स्पेशल है वो। तुझे प्यार करे मुझे प्यार करे एक ही बात है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे कि वो एक फ्रेंड की तरह तेरे साथ रहती है। कुछ चीज़ें जो तू किसी से शेयर नहीं कर सकती वो उससे कर लेती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम दोनों का बॉन्ड। थैंक यू, हमारा बॉन्ड है ही इतना प्यारा। जेलस है वो मुझसे। जेलस फील करते हो? मां बोर हो गई। ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो वेरी मच। हमेशा ऐसे ही खुश रहे, हंसते रहे, जोरदार तालियां।
भर के डांस किया, और इस आज के संगीत में मेरा ज़्यादा डांस परफॉर्मेंस नहीं था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, बट जो भी था इसने चार चांद लगाए, इसको भी मैं कभी बोलूंगी यशी ने चार चांद लगाए हैं, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये लोग आए हमारी शादी में, इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया, थैंक यू भाई अपना कीमती टाइम देने के लिए। और मगर एक बात है, ये आया स्टेज पर जैसे हम डांस कर रहे थे, ये सिर्फ लखन के साथ डांस कर रहे थे, मेरे तरफ एक बार भी नहीं देखा, तो चल निकल तूने उसको पिछली बार पेमेंट नहीं की थी, वो क्यों करेगा तेरे साथ डांस? नहीं अब ये मुझे अपनी बहन बोलता था, आज से मेरा भाई है ही नहीं, आज से भाभी हो ना, तो दुश्मन है चल। वैसे भी लड़के वाले उधर से आया था भाई, बहुत बढ़िया, हमारी टीम वाले अलग ही बातें बना रहे। खैर रोहित ने पता है जो भी व्लॉग बना रहा है ना, हम डांस कर रहे थे और रोहित को मैं देख रहा हूँ बहुत देर से बेचारा ऐसे कभी कैसे कर रहा है, फिर मेरे ध्यान से मैंने देखा तो कैमरा ऑन ही नहीं है क्योंकि लाइट जल जाती है, और मैंने अपना माथा पकड़ा किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है भाई, ऐसा कब हुआ? ऐसा ही हुआ, तू मुझे व्लॉग में देखेगा ना तो एक दिख जाएगा मेरा एक्सप्रेशन से, फिर तूने ऑन कर रहा है वो। गाइस बहुत थक गए, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थैंक यू आपने ये व्लॉग देखा, बहुत सारा प्यार दिया, ट्रेंडिंग पे ले आओ, जल्दी कमेंट करो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर ही आने वाला है यार। और सुनो कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, बाय बाय। रेलगाड़ी चुक चुक, रेलगाड़ी चुक चुक।